नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिनी ब्लॉगर मनीष पर। दोस्तों आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये वीडियो है बोगनविलिया के ऊपर। दोस्तों ये बोगनविलिया करीब हम 1 से 1.5 साल पहले सब तैयार किए थे। इसको बोनसाई ग्रुप में मैं बना रहा हूँ, आप ये सामने देख सकते हैं, और बोनसाई ग्रुप में बन भी रहा है। नीचे से डंठल है और छोटे रूप में रख रहा हूँ, और करीब मेरे पास 8 से 10 या 11 बोगनविलिया के पौधे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कलर के पौधे हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे पौधों गमले में लगाए हैं। हालांकि गमले तो रंग बिरंगे टाइप के हैं, इसलिए कुछ अच्छा कम लग रहा होगा। तो दोस्तों मौसम ठंड का शुरू हो गया है और पौधों में फूल भी आने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। अगर आपके पौधे आप भी बोगनविलिया लगाए हैं तो आप भी ये काम जरूर करें कि उसमें खाद पानी के बारे में विशेष ध्यान दें। दोस्तों आज एक आपके सामने दिखाई दे रहा है ये गार्डन गोल्ड करके मेरे पास एक न्यूट्रिशन है, नया खाद है। ये पौधों में फूल लाने के लिए ही है, खासकर बोगनविलिया के फूल के लिए है। तो एक मेरे दोस्त हैं जो सजेस्ट किए थे कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए और आप इसका रिव्यू दीजिए कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं दोस्तों इसको पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अगर इसका अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं इसका रिव्यू आपको ज़रूर दूंगा और इसका फोटो जरूर इसका वीडियो में ज़रूर अपडेट करूँगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं गोल्डन गार्डन गोल्ड करके है, और फ्लावर के लिए स्पेशली है, फूल लाने के लिए है। तो मैं फर्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट अच्छा रहा तो मैं इसका वीडियो ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। तो पहले मैं आज इसको डालूंगा और उसके बाद इसका रिजल्ट देखूंगा कि क्या है क्या नहीं है। तो आइए इसको डालते हैं और इसके बाद मैं बीटूँ, तब फिर बाद में अपडेट करूंगा आपको। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इसको मैं अपने पौधों में डालूंगा, तो इसको मैं डायरेक्ट पौधों में नहीं डालूंगा दोस्तों। उसके लिए मैं एक जैविक खाद भी लाया हूँ, 2 किलो में मैं इसको टोटल मिला दूंगा जैविक खाद में। आप भी इसको जैविक खाद लेकर मिला सकते हैं, और मिलाने के बाद करीब 50 ग्राम या पौधे के हिसाब से 100 ग्राम आप हर पौधों में आप दे सकते हैं। तो 2 किलो में दोस्तों इसको पूरा मिला देना है, ये भी काले रंग का है दोस्तों। मैं इसको फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी अच्छा है कि बुरा है इसके बारे में आपको नहीं बता सकता हूँ। इसका रिजल्ट मैं देखने के बाद ही इसके बारे में मैं आपको अपडेट करूँगा। इसको मैं इसमें अच्छे से मिला देता हूँ, और उन्होंने बताया था कि इसको देने के बाद मिट्टियाँ भूरी रहेंगी, फ्लावर भी आएंगे, तो इसका आगे रिजल्ट कैसा रहेगा मैं वीडियो ज़रूर अपडेट करूँगा इसको। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें और नए नए टिप्स ऐसे लेते रहें। अगर आप बगिया के शौकीन हैं तो आप भी ये सब करते रहें। तो आइए दोस्तों अपने पौधों में इसको डालते हैं। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं पौधों में देने के लिए। लगभग ये मेरे हाथ में देखिए इतने क्वांटिटी मैं प्रत्येक पौधों में दूंगा, और आप भी अपने पौधों के हिसाब से उसको चयन करें कि 25 ग्राम से 50 ग्राम के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया, मैंने सारे पौधों में खाद दे दिया हूँ, और अब खाद देने के बाद क्या है कि अब इसको मैं थोड़ा सा गुड़ाई कर दूँगा ताकि अच्छे से मिल जाए। उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी भी इसमें दे दूँगा गुड़ाई करने के बाद शाम को। और दोस्तों एक बात और आपको बतानी थी कि इसमें जब भी आप कंपोस्ट दें तो गोबर वाला कंपोस्ट इसमें ना दें। बोगनविलिया में गोबर कंपोस्ट नहीं डालना चाहिए। उसके लिए आप समय समय पर आप कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह NPK वगैरह या फिर कुछ और DAP वगैरह थोड़े मात्रा में डाल सकते हैं। तो गोबर खाद डालने से पत्तियाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, फूल कम आते हैं, तो इसलिए आप गोबर खाद डालने से बचें। दोस्तों आइए इसको हम हल्का निराई गुड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद काम आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें खाद दे दिया, से गुड़ाई उड़ाई कर दिया हूँ। अब जल्द ही इसमें फ्लावर आएंगे, कुछ पौधों में फ्लावर आने शुरू हो गए। आप जूम करके वहाँ पर देख सकते हैं थोड़े से उसमें आ रहे हैं, और एक उसमें भी फ्लावरिंग आ रहा है। तो अब फ्लावरिंग आना शुरू हो गया दोस्तों, बहुत जल्दी सारे पौधों में फ्लावरिंग आने शुरू हो जाएंगे और अच्छे अच्छे फ्लावर आएंगे। तो उसका वीडियो मैं आपके सामने ज़रूर अपडेट करूँगा। तो आप भी अगर बोगनविलिया लगाए हैं तो ये काम जरूर कर लें। और दोस्तों एक बात और कहना था कि बोगनविलिया में पत्तियाँ जितना कम रखेंगे फ्लावर उतने ज़्यादा अच्छे से आएंगे। मेरे में तो पत्तियाँ थोड़ा ज़्यादा हैं, तो मैं इसको शाम को सारी पत्तियों को कम करूँगा। तो आप भी पत्तियाँ इसमें कम कर सकते हैं।
ये छोटा सा अपडेट रहा दोस्तों बोगनवेलिया के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो उसको आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ चैनल पर आप नए हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।